वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज दर्शन करन आए हैं भाई गुरुद्वारा श्री अड़ीसर साहिब, धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी के पावन स्थान है। आज सारे का मन किया दर्शन करके आईए, तो अज असी इतने दर्शन करन आए हैं। वेखो कि संगत आई हुई, बहुत संगत आँदी है इतने दर्शन करने वास्ते। आपां भी अज मन किया दर्शन करके आईए, तो नाल आपां भी संगत भी सारी भाई आ वीडियो बनाई आ, जो वीडियो असीं बना रहे हैं इहदे विच संगत भी दर्शन करूगी। चैनल ते वीडियो पैनी है, ये वीडियो वेखनी ते आओ। आप अगे असीं जा रहे सी इशनान करन वास्ते, ते दरबार साहब दर्शन करन वास्ते, नाल गुरप्रीत सिंह सेवक सिंह नाल आ, ते नाल गुरप्रीत सिंह फोटोग्राफर। ते बड़ा आनंद बुझाया, संगत बहुत आ रही है इत्थे, भी साडा भी मन कीता दर्शन करिए। महाराज साहब दे अगे अरदासां बेनतियां करिए। वेखो किन्ना मेला लग्या आ, बाहर दुकाना वगैरह लगियां होईयां सी। सब तो वड्डी गल कि संगत बहुत आ इत्थे, असीं वेख्या संगत आ रही है, बहुत संगत आ, भी बड़ी महाराज साहब की कृपा। वेखो मेला लग्या आ, हर रोज़ ही कहिंदे दसदे भी इत्थे इन्नी ही भीड़ हुंदी आ, हर रोज़ इतनी इन्नी भीड़ हुंदी आ। संत गिआन जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले दी फोटो लगी हुई, महापुरश ये भी असीं वेखी उत्थे। संत गिआन जरनैल सिंह खालसा, बाबा दीप सिंह, धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज साहब जी की बहुत संगत इतने आई हुई आ। भाई ये संगत आओ दरबार साहब के अंदर जा रहे हैं, आ जाओ अगे जाके तुहानूं दरबार साहब के दर्शन कराने हैं। तो अगे चल के आप नमस्कार करते हैं, इशनान करते हैं, सेवा भी करते हैं, बाणी पढ़ते हैं। महाराज साहब के चरणों में बह के आ जाओ, आप अगे अगे चलते हैं भाई, दर्शन करते हैं। अहीं जोड़े जमा कराते आ, चले अहीं जोड़े जमा कराने वास्ते। वधिया प्रबंध आ, मतलब ना बहुत सोहना प्रबंध इत्थे हैगा। जोड़े जमा कराने तो बाद अहीं चले आ हुण दरबार च नमस्कार करन। आ गुरद्वारा अड़ीसर साहब का मेन गेट, आ सेवादार सिंह पहरेदार लाए हुए मेन गेट से। वधिया जरूरी है अज के समय से गुरद्वारा साहब का इतिहास पढ़ के, इतने जो गुरद्वारा साहब का इतिहास लिखा लिखा हुआ गुरद्वारा साहब दरबार संखेप इतिहास, ये पढ़न तो बाद असीं अगे गए चलते हैं। इस तो अगे ये पढ़न पढ़ के हुण चलें जी अहीं दरबार साहब बनी, तो दर्शन करते हैं। दरबार नवा बना रहे, सेवा चल रही है, इतने संगत सेवा भी कर सकदियां भाई, जिन्हां संगत ने करनी आ, क्योंकि दरबार तैयार हो रहा, दरबार साहब तैयार हुंदा पिया, तो वधिया सेवा। चलो घर से वाले महापुरश करते पे आ, बहुत सोहनी गल आ, जिहड़े गुरु के नाल जुड़ीए आपां सारे आ जाओ। बड़े आनंद बुझे हुए आ कार सेवा, महापुरश यह सेवा कराते पे सारी। आओ आप अगे अगे चलते हैं, सारे करते हैं दर्शन। दरबार साहब के बाहर संगत के बैठन थां बनाई हुई आ, इधरली साइड पहला प्रशादियां की सेवा माइया कर दी हुई, बहुत सोहनी संगत भावना नाल सेवा बहुत कर दी, संगत बहुत भावना दे नाल संगत सेवा कर दी है। इतने देखो किनिया माइया लगियां, आ लंगर हाल गुरद्वारा साहब का, ये गुरद्वारा साहब का लंगर हाल आ। आज आप अगे वेखते हैं सारा, प्रबंधक वीर बैठे हुए हैं, संगत इतने सेवा पा सकती है, जो भी
माया की सेवा रस्तां की सेवा कर सकती है। इस थान पर इतने सेवादार बैठे होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सारे सेवादार बैठे हुए आ भाई गुरु घर का सरोवर। हुण असीं आपां करदे आं इशनान। आ जाओ सारे। इशनान करन तो बाद आपां महाराज साहिब दी करदे आं दर्शन। संगत सेवा कर इशनान पानी करदी हुई गुरप्रीत सिंह इशनान करके आया हो करता पा। फिर चलते हैं आप चलो सेवक सिंह। सेवक सिंह इशनान कर लगा भाई गुरु तो सारा का बार का जो है जो तो सारा देखते पे इशनान ही कर लिया। हूँ चले अं दर्शन करने वास्ते। इशनान करन तो बाद हूँ दरबार साहिब के अंदर दर्शन करते हैं। चलो चलते हैं भाई बारला तुम भी विखा के। यह आ गुरद्वारा अड़ीसर साहिब। जो भी संगत आँदी इतने अरदासा बेनतियाँ बहुत पूरिया होंगे भावना के नाल अरदास बेनती जड़ा करें। गुरद्वारा साहिब अड़ीसर साहिब पातशाही नावी अरदासा बेनतियाँ संगत कर दी भावना नाल पूरिया भी होंगे। भावना होनी चाहिए है गुरु जरूर रहमत करदा अरदास बेनती पूरी करदा। भावना दे नाल सिख गुरु अगे अरदास करी तो गुरु रहमत जरूर करदा। गुरद्वारा साहिब दे बाहर जिहड़ा लिखिया होया इतिहास आपां बार पाइए पढ़ो जरूर क्योंकि जे आपां इतिहास पढ़ांगे इतिहास दा आपां पता हो फिर हुण चले दर्शन करन। इत्थे सेवा चल रही आ बार सारी दरबार जरा बार बरांडे तैयार हो रहे हैं। मुख वाक दरबार साहब अंदरों तुहानू सारे दर्शन कराने दरबार साहब बहुत सोहना दरबार बनया हो प्रबंध बहुत सोहना है प्रबंधकों का। प्रबंध बड़ी भावना के नाल संगत करती है बहुत सोहना प्रबंध है सारा। श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होए सन इत दरबार साहिब सेवादार भाई लाए हुए आ बार जरूरी आ क्योंकि गुरु साहब की हजूरी के सेवादार सिंह होने भी बहुत जरूरी है। संगत दर्शन करके तो नाम जपती है बाणी पढ़ती है संगत बैठ के हम अं दर्शन कर ले दरबार साहिब के अंदरों झट उत्थे बैठ के बाणी भी पढ़ ली सिमरन भी कर लिया। तो हूँ अभी बाहर वापस जाते पे हाँ दर्शन करके आ गए भाई अपने सामने कराने दर्शन। गुरद्वारा साहब के बाहर इतने प्रसाद वरताउंदे सेवादार प्रसाद की सेवादार इतने करते हैं। गुरद्वारा साहब के बाहर ये आटा गुन्नण वाली मशीन वेखो कितना सुखाला हो गया ना इन्नी संगत नूं प्रसादा छकाउणा। प्रबंध भी फिर वड्डे ही चाहिए है ये सेवादारां दा। आटा गुन्नण वास्ते मशीन इतने आ सारी रस्त पई हुई है तो कुछ माइयां हत्थां नाल भी गुंदियां पईआं
क्योंकि मशीन खुलने तो बाद थोड़ा जि हाथों ही करना पैंता सैट बिच आटा पाँगे पाँगी माता जी ये पा के पानी पा के मशीन आटा गुन दी है। वेखो कि सोहना सिस्टम बनया है प्रबंध ना इदा ही फिर सही मतलब पूरा रहा प्रबंध इन संगत वास्ते प्रशादा संगत बहुत होंगी है। तो मातावान सेवा कर दया हुई सेवा भावना के नाल तैयार प्रशादा होंगे इतने बहुत महाराज साहब कृपा करे। गुरबी सिंह सेवा करवा पा आटा पवा की मशीन के जी होर अच्छा होर पाना जी अज चलो जी आ चला दी मशीन ते हुण इहदे विच माता जी ने पाता पानी आटे विच ये भी तजर्बे के नाल ही पानी पै सकता ये उदा तो मेरे वर्गा कोई बाला पा दे तो फिर आगे हूँ असं प्रशादा छकन जाते पे हाँ प्रशादा छक के फिर तुम दिखाने बहर ला सारा व्यू प्रशादा छक के देखो कि संगत प्रशादा छकती है बहुत संगत सेवा सारे सेवादार सिंह भावना ना ही सेवा करते प्रश बर्तना की सेवा चलती पी है इतने बहुत संगत छकती प्रशादा इतने तो बर्तना की सेवा चलती पी है इतने देखो कि संगत सेवा करी जा रही है तो सेवादार ना ही आ सेवा जी वरतावे सिंह वरता रहे पकाने वाले सिंह पका रहे संगत छका रहे हैं देखो कि संगत प्रशादा छकती है ऐतवार शनिवार दस दी बहुत ज्यादा होंगी है संगत इतनी प्रशादा छकने वाली सारी सेवादार है सेवादार प्रशादा वरताओं की सेवा इतों चलती है भाई सारी लंगर हाल के पक्के सेवादार बैठे इधर चाह का लंगर है हूँ वैसे मैं तो चाह छकता नहीं हूँ गुरप्रीत सिंह गुरप्रीत फोटोग्राफर तो सेवक सिंह चाह पीण गए लंगर छकते हुए अरदास ने हूँ छकना बाद लंगर इधर चाह का लंगर ना अपना चाह का लंगर भी इन्होंने छकाने सेवादार सेवादार सब्जी कटते पे जी लंगर वास्ते सब्जी की सेवा होंगी पी है इतने देखो कितनी संगत भावना ना सेवा कर दी थी सारे सेवादार बहुत सत्कारी कार सेवा महापुरुषों की बदौलते सेवा चलती है मशीन सी प्रशादे लाने वाली प्रशादे लादी है मशीन आ थले पेड़े होई जाते हैं पेड़े हो के अगे जाते इधले पास खोने तुम आखो इधर माई सेवा कर दी पी है इदा इधर माता दूजे पास आ गए प्रशादे बन के बहर आई जाए मातावान पाई जाए टोकर जोड़ जोड़ के रखी जाए माता प्रशादे ना इन्होंने घ्यो वगैरह जो वो भी लाने पे आ प्रशाद उतों बन के आने पे आखो आपे वेल दें ये आप ही इन्हें मतलब पका देने उधरों आटा पा देना वेल के आपे सुट देने तो आप इन्होंने सेक दे देना मशीन में वेखो इधर सेवादार आटा पा के पाने पे इधर जो प्रशादे बन के बहर आई जाते वेखो कि आनंद बढ़िया आया सेवादार प्रशादे चुपन की सेवा करनी पै जाए झोल आने पै छोटे छोटे बच्चे मातावान बजुर्ग वीर सारी सेवा रल के करते सारे इतने लंगर तैयार होंगे जोड़ा देखो किनिया किनिया देगा किड़े किड़े पतीले कढ़ाई इतने प्रशादे बर्तन मांज आते चाह का लंगर आ चाह छकाउंदे
ਗੁਰਦੀ ਸਿਆਉਣੀ ਪੀਂਦੇ ਚਾਹ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਛੱਡਣਗੇ। ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਮਸ਼ੀਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਹੋਈ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਆਏ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੱਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਰਾਤ। ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।